अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद और दुआ है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम चढ़ रहे हैं पहाड़ी, क्योंकि हमें जाना है यरकशिंग छुरुन, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर है। और ये देखिए कितनी चढ़ाई है यार। और यहाँ से जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ना, वो ग्रीन ग्रीन ये वाला नहीं, जो थोड़े दूर है वहाँ से हम चल के आए हैं। और ये देखिए चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है, और हम इस साइड से आए हैं। हालांकि रास्ता उस साइड से अच्छा था, ये हमें पहले एलम नहीं था इसीलिए। और यहाँ से जो हम चढ़ाई चढ़े ना, उफ, पल भर में हमें बस रेस्ट ही करना पड़ रहा था, इतनी सांसें फूल रही थी। अब आदत नहीं ना है ऐसे चढ़ने की रोज़ पहाड़ी वगैरह। हालांकि आजकल तो पैदल भी लोग कम ही चलते हैं, गाड़ियों में सवार होते हैं तो, बट हमें चलना बहुत इम्पोर्टेंट है यार। और हम आ गए इस पहाड़ी में, और बहुत खूबसूरत है यार ये जगह, क्या ही बताऊँ मैं आपको। मंजिल दूर है लेकिन जाना ज़रूर है। और हम अभी ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं करीब करीब, क्योंकि अभी हमें यहाँ से स्लोप में नीचे की ओर जाना है। अभी तक हम ऊपर चढ़ रहे थे, नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू गो डाउन। सो नीचे जाने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, इट्स नॉट दैट यू नो टफ़ जितना ऊपर चढ़ने में हमारी फटती है। तो चलिए चलते बनते हैं। और मेरे साथ ही कक्का इब्राहिम जो अच्छे से गाइड कर रहे हैं। और फाइनली हम इस मकाम पर पहुंच गए, जहां पहुंचने के लिए हमने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा ट्रैक किया यरकशिंग योकमा से। और ये देखिए ना यार, कुदरत का क्या अनमोल नज़ारा है। माशाअल्लाह, सुबहानअल्लाह, अल्लाहु अकबर। इस बहुत बड़े पहाड़ चट्टान के बीचों बीच में कैसे ये फूट के बाहर आ रहे, और इतनी ज़्यादा तादाद में पानी बाहर आ रहे। और मेरे साथ जो गाइड है कका इब्राहिम, इन्होंने कहा कि अर्लियर पानी का जो क्वांटिटी वो बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन अब काफ़ी कम हो गया है, अदरवाइज़ इससे भी ज़्यादा आता था, एंड पूरा ये जो नाला है ये भर जाता था।
이정아 저런 집인데 난 어디 와있냐 난 저런 집 क्या बात है मैडम।